हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रेशूज ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि बहुत से लोगों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम इतने महीने में बेबी का वेट इतना ठीक है, इतना होना चाहिए, तो मैंने सोचा सबका रिप्लाई करने से अच्छा है कि मैं एक इस पर प्रॉपर डिटेल में एक वीडियो ही बना दूं। आज के वीडियो में मैं आपको 1 से 9 महीने तक बेबी का कितना वेट होना सही है, मतलब इतना होना ही चाहिए, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं प्रेगनेंसी के पहले महीने में। तो पहले महीने का तो पता नहीं होता है कि प्रेग्नेंट है या नहीं, जब तक पीरियड मिस नहीं हो जाता है। तो इस टाइम की शुरुआत तो होती है बच्चे के चावल के बराबर, मतलब प्रेगनेंसी के पहले महीने में आपका बेबी केवल चावल के दाने के बराबर होता है। धीरे धीरे बढ़ती है प्रेगनेंसी, बेबी धीरे धीरे ग्रोथ करना स्टार्ट होता है। दूसरे महीने तक बेबी का वेट 9.54 ग्राम तक हो जाता है, मतलब 9.5 ग्राम के करीब होता है। धीरे धीरे फिर बढ़ती है प्रेगनेंसी, आते हैं तीसरे महीने तक, तब जब बेबी का लिंग बनना भी स्टार्ट हो जाता है, उस टाइम तक बेबी का वेट 28 ग्राम तक होता है। धीरे धीरे चौथे महीने में जब आप आती हैं तो उसका वेट थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप जो भी खाने लगती हैं बेबी तक भी पहुंचने लगता है, तो थोड़ा सा वेट बच्चे का बढ़ने लगता है, जो कि चौथे महीने में 112 ग्राम तक हो सकता है। पाँचवा महीना आता है, पाँचवें महीने में बेबी थोड़ा और ज़्यादा ग्रो करने लगता है। पाँचवें महीने में आपके बेबी का वेट 400 ग्राम तक होना चाहिए। जैसे ही छठवां महीना आता है, छठवें महीने में ये वो टाइम है जब आपका बेबी का वेट तेज़ी से बढ़ता है, तो इस टाइम आप अपनी डाइट का ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि इस टाइम जो भी खाएंगे वो आपके बच्चे को बहुत अच्छे से लगेगा, बच्चे का वजन बढ़ने में मदद करेगा। छठवें महीने तक आपके बच्चे का वेट 1 किलोग्राम तक हो जाता है। सातवें महीने में जब आते हैं तो आपके बेबी का वेट सातवें महीने में 1 से 2 किलोग्राम तक हो सकता है। आते हैं आठवें महीने में, आठवें महीने में आपके बच्चे का वजन कम से कम 2 किलो 27 ग्राम तक होना चाहिए। आते हैं नौवें महीने में, जब बच्चा बिल्कुल फुल ग्रोथ हो जाता है, तो नौवें महीने में जब बच्चा डिलीवर होने वाला होता है तो उसका वजन कम से कम 3 किलो 200 ग्राम तक हो जाता है। कभी कभी बच्चे कमज़ोर रह जाते हैं ठीक से डाइट ना लेने की वजह से, कई कॉम्प्लिकेशन होते हैं प्रेगनेंसी में जिस वजह से बच्चे कम वजन के जन्म ले लेते हैं। तो आपको अगर अपने बच्चे का वजन बढ़ाना है तो आप अपनी डाइट पर ध्यान दीजिए, भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हों। और बच्चे के वजन बढ़ाने के लिए मैं आपसे अपनी काफ़ी सारी ब्लॉग्स आपके साथ वीडियोस शेयर करती रहती हूँ, अपना जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो आप वीडियो वो मेरे ज़रूर देखिएगा कि प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। इस तरीके से आप मेरे वीडियो फॉलो कर सकती हैं, आपको अपने बेबी के वजन बढ़ाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आपको इसके लिए क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना है। और वीडियो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।